आज मैं आपको दो मूवीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक साथ ही। तो पहली मूवी का नाम है स्टॉन्टन हिल। अब जो जमाना इस मूवी में दिखाया गया है वो थोड़ा पुराना है, यानी 1969 का दौर, जहाँ पर पांच दोस्त किसी जगह जा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं होती तो वो रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगने लगते हैं, लेकिन कोई उनको लिफ्ट ही नहीं दे रहा होता और वो लोग बेचारे पैदल चल चल के थक चुके थे। तो पास ही में उनको एक गैराज नजर आता है और वो सब वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर एक और आदमी जिसका नाम क्विंटन था अपनी खराब गाड़ी लेके वहाँ पे खड़ा हुआ था और जल्द ही वो अपनी गाड़ी ठीक कर लेता है। दूसरी तरफ इन सब दोस्तों का ग्रुप वहाँ पर मौजूद मैकेनिक से हेल्प मांगता है, लेकिन वो मैकेनिक काफी रूड था, वो इनकी कोई बात नहीं सुनता। इसी दौरान क्विंटन इनसे कहता है कि मेरी गाड़ी ठीक हो चुकी है, चाहो तो मेरे साथ बैठ सकते हो। वो सब लोग खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती कि फिर से खराब हो जाती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम पैदल ही आगे चलेंगे। अभी वो लोग चल ही रहे होते हैं कि उन्हें एक फार्म हाउस दिखाई देता है जिसके आसपास कोई आदमी नहीं था और अब रात भी होने वाली थी। एक यही जगह ऐसी थी जिसमें वो लोग रुक सकते थे। यहाँ पर सूखी घास पड़ी हुई थी जिस पर ये लोग सो जाते हैं। सब सोए होते हैं कि इनको लकड़ी काटने की आवाज आती है। उनमें से एक लड़की की आंख खुलती है तो वो बाहर जाकर देखता है कि एक हेल्दी लड़का लकड़ियां काट रहा था। वो सीधा जाकर उसे मारने लगता है कि सब सो रहे हैं और तुम शोर कर रहे हो। तो वो लड़का भी आगे से मारने लगता है। फिर वो सारे दोस्त बाहर आ जाते हैं और उन्हें काफी लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर एक हेल्दी सी औरत आती है जो कि अपने बेटे को आवाज देती है, बडी रुक जाओ। वो हेल्दी लड़का इसका बेटा था और उसका नाम बडी था। तो वो लड़का रुक जाता है लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं बोल रहा होता। फिर वो औरत उन दोस्तों के पास जाती है और कहती है कि इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये स्ट्रेंजर से डरता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं और इसकी नानी रहते हैं साथ। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा खैर कोई बात नहीं। उनमें से एक लड़के को इन लोगों का एक ट्रक दिखाई देता है तो वो कहता है कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, हमें किसी जगह जाना है। तो वो औरत कहती है कि ओहो मैं तुम्हें जरूर दे देती, लेकिन ये कई सालों से बंद पड़ा है। तो वो दोस्त पूछते हैं फोन तो होगा आपके पास, तो वो औरत कहती है कि नहीं बेटा वो भी बंद है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बडी उन सब के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। उन सब दोस्तों में से एक लड़की जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है उसका नाम जॉर्डन होता है, वो बडी के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या बना रहे हो। तो बडी उसे एक छोटा सा टॉय देता है लेकिन वो अभी भी खामोश था। नाश्ते के बाद उस ग्रुप के लड़के वहाँ पे खराब रखे हुए ट्रक को ठीक करने लगते हैं और उनमें से एक लड़की उस औरत के पास जाती है जो कि बडी की मॉम थी। वो पूछती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो औरत कहती है कि बेटा हमारा वॉशरूम भी खराब है, दूसरी तरफ एक वॉशरूम है, मैं तुम्हें जगह बताती हूँ वहाँ चली जाओ। और वो उसको एक जगह बताती है। तो वो लड़की वॉशरूम ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंच जाती है जो कि एक अजीब सा कमरा था जहाँ पे काफी गंदे गंदे वेपन्स पड़े हुए थे, नाइफ्स पड़ी हुई थी और हर जगह ब्लड बिखरा हुआ था। वो ये सब देख रही होती है कि तभी पीछे से खामोश बडी आ जाता है। वो उस लड़की के सर पर जोरदार अटैक करता है, वो बेचारी बेहोश हो जाती है। तो बडी पास पड़े हुए स्ट्रेचर पर डालता है उसकी बॉडी को और उसके हाथ पांव बांध देता है, फिर उसकी टांगों पर कट्स लगाने लगता है जिससे उस बेचारे का काफी खून बह जाता है। फिर उसके बाद वो उसके हाथ और पांव अलहता करता है काट कर और उसकी पूरी स्किन ही उतार लेता है। आखिर में वो उसकी गर्दन काट कर उसका सर ही अलहता कर देता है। जो बडी खामोश और इनोसेंट लग रहा था वो इतना गंदा और किलर माइंड रखता था। अब बाहर की तरफ खेतों में उन फ्रेंड्स में से एक कपल चल रहा होता है कि तभी बडी की मॉम आकर उनमें से लड़के को शूट कर देती है। लड़की ये देख के रोने लगती है लेकिन बडी की मॉम उसको भी नहीं छोड़ती। अब जॉर्डन एक रूम में होती है जिसकी खिड़की से बाहर खेतों से सब कुछ नजर आता था। वो देखती है कि बडी बाहर आया है और अपने जानवरों को उसके दोस्त की बॉडी के पार्ट्स खिला रहा है। वो ये देख के काफी डर जाती है और अपने दोस्त को बताने जाती है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, तो वो फौरन जाकर ये बात क्विंटन को भी बताते हैं जो कि अभी तक लेटा हुआ था। अब बडी की मदर ने जिस कपल को बेहोश किया था वो उसे उसी रूम में लेकर आती हैं जहाँ पर बडी वो सब कट्स लगाता था। वो दोनों अब होश में आ चुके थे। सबसे पहले फीमेल को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और बडी उसकी बॉडी पर कट्स लगाना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसका सर काटता है और फिर उसका पेट चीरकर उसके पेट से सारी चीजें बाहर निकाल देता है। ये देख के उसका दोस्त बहुत रो रहा था क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही मिनट्स में उसका भी यही हाल होने वाला है और वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बेचारा बंधा हुआ था। अब बडी उसी रूम की खिड़की से देखता है कि बाहर जॉर्डन और उसका दोस्त है।
क्विंटिन उन्हें ये कह के भाग जाता है कि मुझे कोई शौक नहीं अपनी जान खतरे में डालने का, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतनी ही देर में बड़ी की मदर आकर बाहर जॉर्डन को पकड़ लेती है और जॉर्डन का दोस्त अपनी दोस्त को बचा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके हाथ से वो चाकू गिर जाता है। जॉर्डन का दोस्त वापिस आता है वो चाकू उठाने के लिए, लेकिन बड़ी की किलर नानी उस लड़के को मार डालती है इलेक्ट्रिकल शॉक दे देकर, और जॉर्डन बेचारी वहाँ से अकेली ही भाग जाती है। जॉर्डन चलते चलते एक गड्ढे में गिर जाती है जिसमें एक नुकीली लकड़ी उसके शोल्डर में चुप जाती है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और वो काफी डरी हुई भी होती है कि कहीं बड़ी और उसके घर वाले मुझे मार ना दें, तो वो खुद को कहीं पर छुपा लेती है। लेकिन क्योंकि उसके शोल्डर से खून आ रहा था, तो जहाँ वो छुपी थी उसके आसपास खून के कतरे गिरे हुए थे, और बड़ी की नानी को ये देख के पता चल जाता है कि वो यहाँ पर है। वो बेशक मासूर थी यानी पैरालाइज थी, लेकिन फिर भी काफी तेज थी वो। वो जॉर्डन को बाहर निकालती है और उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। जॉर्डन खुद को डिफेंड कर रही थी। फाइनली जॉर्डन यहाँ पे बड़ी की नानी को मार डालती है, लेकिन डर के मारे और दर्द की वजह से खुद भी बेहोश हो जाती है। बड़ी को जॉर्डन अच्छी लगती थी, तभी तो उसने उसे टॉय दिया। तो वो आता है और देखता है कि जॉर्डन बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे उठा कर अपने साथ उसे रूम में ले आता है। पहले तो वो सोचता है कि मैं अपनी मदर को खुश करने के लिए इसे काट दूं, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही था, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेशक वो खामोश था, लेकिन उसके एक्ट से साफ पता चल रहा था कि वो जॉर्डन को नहीं मारना चाहता। बड़ी उसे उठाकर अपने साथ उसी गैराज में ले आता है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया, और वहाँ पर क्विंटिन भी भाग के आ रहा होता है और उसकी टक्कर बड़ी से हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों को इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है एक फेंस के साथ टकराने की वजह से। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है, जॉर्डन वहीं पर पड़ी हुई थी। अब सुबह होती है तो हम देखते हैं कि वही रूट मैकेनिक वहाँ पर आता है और गैराज का दरवाजा खोलता है। वो जॉर्डन को उठाता है और अपनी गाड़ी में रख देता है, और गाड़ी के पीछे बैठा होता है क्विंटन। वो मैकेनिक उससे पूछता है, मेरे बेटे तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तो यहाँ हम पर ये रिवील होता है कि क्विंटन कोई और नहीं बल्कि मैकेनिक का बेटा था, और ये भी कि मैकेनिक बडी का भी फादर था। यानी क्विंटन और बडी एक दूसरे के सगे भाई थे। क्विंटन ने काफी प्रोग्रेस कर ली थी, जिसकी वजह से बडी को काफी जेलसी होती थी, और उसने ये काम शुरू कर दिया जिसे वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बेचकर पैसे कमाया करता था और अपनी मदर को देखकर खुश किया करता था। और फिर इसके बाद मैकेनिक अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगता है, और हमें कुछ नहीं बताया जाता कि अब ये जॉर्डन की बॉडी को कहां पर लेकर जा रहे थे, वो अभी भी जिंदा थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सेकेंड मूवी, गर्ल्स अगेंस्ट बॉयज। ये मूवी भी पहली मूवी की तरह स्लैशर है और इसमें काफी ज्यादा किलिंग्स हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कॉलेज स्टूडेंट शाय को देखते हैं। वो रेडी हो रही होती है क्योंकि उसने अपने एक दोस्त से मिलना था, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था और उसकी एक बेटी भी थी। लेकिन जैसे ही वो लड़का इसके घर आता है तो वो इसे कहता है कि सॉरी शाय, मैं अपनी बीवी और बेटी को मजीद धोखा नहीं दे सकता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। शाय उसे कुछ नहीं बोलती और अपने घर वापस आ जाती है। वो काफी ज्यादा दुखी होती है, वो घर में रह के काफी उदास हो गई थी। तो वो रात को अपना बैग पहने बाहर निकलती है, वो काफी डिप्रेस्ड लग रही थी। तो कोई भी उसे ये नहीं पूछता कि शाय तुम उदास क्यों हो और तुम्हें क्या हुआ है। वो वहाँ से सीधा उस बार में चली जाती है जहाँ पे वो काम किया करती थी। वहाँ पर एक नई लड़की आई होती है, वो उसे रोता देखकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ है आपको। ये पहली लड़की थी जिसने शाय से पूछा था कि वो कैसा फील कर रही है। वो दोनों एक दूसरे को अपने नाम बताते हैं और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो नई वर्कर शाय से कहती है कि आओ हम एंजॉयमेंट करते हैं, तुम भूल जाओ जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ। वहाँ पर उस न्यू वर्कर के भी कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे वो शाय को मिलवाती है। वो लोग सारी रात डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं। जब सुबह होती है तो उनमें से एक लड़का शाय को उसके घर छोड़ने आता है, लेकिन उसको घर छोड़ने के बाद भी वो वहाँ से नहीं जाता और उसे डराने लगता है। शाय डर के अपने पुराने दोस्त को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं मुश्किल में हूँ, मुझे बचाओ आकर। लेकिन जब वो वहाँ पर आता है तो वो भी शाय के साथ बिल्कुल सेम करता है, उसे डर लगने लगता है और वो काफी उदास हो जाती है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है, और जब सुबह होती है तो वो उसे न्यू वर्कर से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। तो वो कहती है कि आओ हम पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस ऑफिसर भी उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तो वो न्यू वर्कर शाय से कहती है कि छोड़ो इन सबको, हम अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे। तो शाय कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो। तो वो न्यू वर्कर कहती है कि हमारी लाइफ में आज तक जितने भी लड़के आए सब ने हमें धोखा दिया ना, किसी ने हमारी जान नहीं बचाई, तो हम उनको बताएंगे कि लड़कियां भी स्ट्रांग हो सकती हैं। तुम बिल्कुल मत घबराना, मेरे पास एक गन भी है, अगर वो हमें डराने की भी कोशिश करें तो हम खुद को डिफेंड कर लेंगे।
शाय काफी नर्वस थी लेकिन फिर भी उसकी बात पे एग्री हो जाती है। वो दोनों मिलके उसी लड़के के घर जाती हैं, जो उस न्यू वर्कर का दोस्त था। और वो न्यू वर्कर उसे अपने दोस्त के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो तो यहाँ नहीं है। वो न्यू वर्कर उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जानते हो उसका एड्रेस और तुम ये भी जानते हो कि वो क्या कर चुका है। तो आगे से वो लड़का हंसने लगता है और ये चीज उस न्यू वर्कर से बर्दाश्त नहीं होती तो वो उसे शाय के सामने ही शूट कर देती है। तभी वहां पर शाय का दोस्त भी आ जाता है। वो उससे भी उस आदमी का पता पूछती है लेकिन वो भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम और वो भी हंसने लगता है, जिस पर वो न्यू वर्कर उसे भी शूट कर देती है। अब वो दोनों उस लड़के को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच ही जाती हैं। वो वहां पर वेल्डिंग कर रहा होता है। अब ये दोनों उसको पकड़ लेती हैं और बांध देती हैं। ये दोनों यहाँ काफी खतरनाक हो चुकी थी और बहुत ज्यादा ब्रेव लग रही थी। किसी की जान लेना ब्रेवरी तो नहीं है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा फेयरलेस थी। शायद जाकर उसके सर पर वार करती है क्योंकि उसे अपना बदला लेना था और अब उसमें भी काफी हिम्मत आ चुकी थी उस न्यू वर्कर को देख देख के। इसीलिए कहते हैं कि कंपनी का असर होता है। वो लोग उसके मुंह पर भी टेप लगा देती हैं और फिर वो न्यू वर्कर एक चेन सो से उसकी दोनों टांगे काट देती है। वो लड़का उन दोनों से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आईदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं लड़कियों की इज्जत किया करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तो न्यू वर्कर उसकी सारी रस्सियां खोलकर कहती है कि लो जहां जाना है जाओ, तुम्हारी टांगे काट चुकी हूं मैं। लेकिन शाय उस लड़के को शूट करके मार ही डालती है और फिर उसके बाद वो दोनों लड़कियां वहां से बाहर आ जाती हैं। उनके दिल में बदले की आग चल रही थी जो कि वो उन सब लड़कों से लेने वाली थी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया। तो शाय को उसका वही पुराना दोस्त मिलता है। वो उसे उसकी गाड़ी समेत ही किडनैप कर लेती है और एक जंगल में आकर गाड़ी को रोकती है और वो लोग उसको शूट ही करने वाली होती है कि वो शाय से कहने लगता है कि मेरी एक छोटी सी बेटी है और मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन इसके लिए मुझे छोड़ना पड़ा अपनी बेटी के लिए। तो शाय इमोशनल होकर उसे छोड़ देती है, शूट नहीं करती। लेकिन उसकी कुलीग यानी वही न्यू वर्कर कहती है कि ये तुम क्या बेवकूफी कर रही हो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसने तुम्हें हर्ट किया है। और इसी के साथ उसको भी शूट कर देती है और वो मारा जाता है। अब शाय की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। वो सारे लोग जा चुके थे जिन्होंने उसके साथ बुरा किया। उसका कॉलेज में एक नया दोस्त भी बन चुका था। और फिर एक रात कॉलेज में हैलोवीन पार्टी होती है। शाय उसी लड़की के साथ अपनी पार्टी में एंजॉय कर रही थी। वो लोग डांस कर रहे थे और तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसने फेस मास्क पहना होता है। अब पार्टी का टाइम खत्म हो चुका था, सब लोग अपने घर जा चुके थे और शाय भी वॉशरूम गई थी। तो वो मास्क वाली लड़की स्टेज पर आती है और शाय के नए दोस्त को बुलाने लगती है। वो उसकी बात सुनने स्टेज पर जाता है तो उसे मार डालती है, यानी उस मास्क वाली लड़की ने शाय के नए दोस्त को मार दिया था। और जब शाय बाहर आती है तो ये देख के काफी परेशान हो जाती है और तभी हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि वो मास्क वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि वही नई वर्कर थी। वो शाय से कहती है कि ये मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया, कल को ये लड़का भी तुम्हें धोखा दे देता, तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता तो फिर तुम क्या करती, तुम मेरी दोस्त हो ना इसलिए मैंने तुम्हारे लिए किया। तो शाय दिल में सोचती है कि ये पागल हो चुकी है, जिस लड़के के साथ फाइनली मैं खुश रह पा रही थी उसने उसको मार दिया। तो शाय पास पर ही तलवार उठाती है और सीधा उसके पेट में दे मारती है क्योंकि वो लड़की तो थी ही पागल। और शाय को यहाँ पर मैसेज मिल जाता है कि हर बार लड़कों की ही गलती नहीं होती, उसे खुद भी सोच समझ कर लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए था, उसे इस तरह किसी भी लड़के के साथ अकेले घर आना ही नहीं चाहिए था और उसने अपने पुराने दोस्त को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसकी बेटी और वाइफ क्या करेंगी, वो इन सब गिल्ट के साथ बहुत उदास रहने लगती है। लेकिन वो खुद से वादा करती है कि अब के बाद वो किसी भी लड़की के साथ बुरा नहीं होने देगी। तो आज की दोनों मूवीज यहाँ पर हो जाती हैं कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।